मेरा नाम पल्लवी कुलकर्णी है। मैं 55 बैच की स्टूडेंट हूँ। और कुंभक के बारे में मुझे पहले पता नहीं था। इस फरवरी में मुझे मेरा TSH लेवल हाई पता चला। और उसके बाद मेडिसिन लूँ या ना लूँ इसमें कंफ्यूज थी। और तभी मेरे माँ ने मुझे बताया कि कुंभक करके कुछ प्रोसेस है। FB में उन्होंने देखा था, तो मैंने मेडिसिन नहीं चालू की। मैंने सोचा कि नहीं, हम कुंभक ही करेंगे। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस वीडियो भी देखे थे यूट्यूब पे, और मुझे फील हुआ कि यस, हमें भी ये करना चाहिए। और मैं एक डिप्रेशन में थी कि इस 23 इयर्स में, मतलब मैं भी 23 इयर्स की हूँ, तो इस कम उम्र में मुझे TSH लेवल हाई क्यों हुआ। ये बहुत बहुत सारे थॉट्स आए थे मेरे मुझे और मैं थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं ही क्यों इसमें फंस गई हूँ, ऐसा था। तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं चालू की अभी, सिर्फ मैं कुंभक पे ही हूँ। और इसी कुंभक से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम था, मुझे बहुत हेयर फॉल था सीवियर, वो थोड़ा कम हो गया है। एंग्जाइटी जो थी मुझे, कि मुझे बहुत एंग्शियस लगता था एग्जाम से पहले, कि मैं बहुत घबरा जाती थी। मेरा स्टडी तो हो गया है, पर मुझे पता नहीं क्यों क्या होता होता था, मैं बहुत ऐसा एंग्शियस हो जाती थी। तो जो आने वाला है वो भी मुझे नहीं आता था ढंग से। तो थोड़ा एंग्जाइटी लेवल जो है, जो इशू था मेरा, थोड़ा कम हो गया है। और जो निगेटिव थॉट, और मैं प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करती थी कि नहीं ठीक है बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मेरा बहुत सारे जो स्टडी का कुछ प्लानिंग होगा या कुछ भी होगा वो डिले हो जाता था। तो अब वो काफी थोड़ा सा कम हो गया है, मैं उस प्रोसेस में हूँ अभी, ऐसा लग रहा है मुझे। और एनर्जी लेवल भी बढ़ गई है। और थैंक्स टू वंदना जी मैम, क्योंकि मैंने बहुत उनको परेशान किया है, मैंने बहुत डाउट्स पूछे सिली सिली, और उनने हंस के मुझे डाउट मेरा क्लियर किया है। तो थैंक यू सो मच ऑल द टीम, एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ।